अलका अग्रवाल, मैं मुस्कान चौधरी, मैं प्रियंका सोकर, मानिका सरवानी, उर्मिला। हम एक पूरा टीम है शुभांकर सर के अंडर। हम थोड़ा ट्रेनिंग ले रहे थे और शुभांकर सर के थ्रू हम IICD से हमको यहाँ इस प्रोजेक्ट रामगढ़ प्रोजेक्ट का एक बहुत बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जिसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल। और यहाँ पे हमने एंटर करते से ही हमने इतनी सारी ब्यूटीफुल हवेलियाँ देखी और हमने गूगल, विकिपीडिया, किसी से मोटिवेशन ना लेते हुए हमने यहाँ की एक एक हवेलियों में जाके वहाँ के मोटिव्स और पैटर्न्स और फ्लोरल आर्ट जो भी है सारा वहाँ से ही हमने डिज़ाइन लिया है। जो ओरिजिनल यहाँ का है वो सब हमने यहाँ के प्लानिंग करके सारी वॉल्स पर वही सब किया है जो हमने यहाँ से लोकल जो यहाँ पर देखा है। और हमें यहाँ पे आके बहुत सारा कुछ सीखने को मिला और यहाँ के आसपास के लोगों से हमें ये जानने को मिला कि यहाँ की लड़की इतना काम नहीं करती, लेकिन हम उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने, तो ये हमें बहुत ही गर्व की बात महसूस हुई। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, जैसा कि इन लोगों ने हमारी केयर की, हमें जो भी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो इंस्टेंटली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते थे किसी भी तरह, तो हमेशा हमें कम्फर्ट देने की कोशिश की जितना भी हो सकता था। और हमें यहाँ पर हमें एक नई आर्ट से लिक्विड सीखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर फेस्को टेक्निक में काम किया हुआ है और हम इसमें एक्रेलिक टेक्निक में काम किए, और यहाँ के मोटिव सब देखकर, क्योंकि सिक्कावटी के हर एक फ्रेम अलग है, वो चीज़ देखकर हम काम किए। हम लोग यहाँ पर जैसे हम जब शुरू शुरू में यहाँ पर आए तो यहाँ के लोग हम ये देख के बड़े ताज्जुब कर रहे थे कि लड़कियाँ ये पेंटिंग का, वॉल पेंटिंग का काम करेंगी, यहाँ पे लड़कियाँ कभी बाहर नहीं करती। हम जब यहाँ पेंट कर रहे थे, आने जाने वाले सब लोग इतना इंस्पायर हो रहे थे, पूरे रामगढ़ के लोगों ने हमें इतना प्रमोट किया, इतना मोटिवेशन दिया, वी आर सो एंड ये बहुत अच्छा इन लोगों की सबके लिए मोटिवेशन है कि गर्ल्स, इन लोगों के लिए भी पहली बार था और वुमेन्स और गर्ल्स कुछ भी कर सकती है, दिस इज़ अ रियल वुमन पावर ये प्रोजेक्ट पूरा। यहाँ पे इन दो पैनल्स पे हमने काम किया है, इधर और इधर। ये हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं मिस्टर शुभांकर सर, वो हम उनसे छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। शुभांकर सर, यस, हेलो हेलो, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। एक्चुअली मैं IICD में हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ IICD में। तो ये जो प्रोजेक्ट हमारी वॉल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, एक्चुअली फ्रेस्को नहीं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि फ्रेस्को प्रोसेस में हम लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग एकदम मॉडर्न टेक्निक एक्रेलिक कलर से हम लोग काम कर रहे। तो IICD हमको ये प्रोजेक्ट दिया था और मेरे साथ मेरा और पांच टीम मेंबर, पांच साथी जो भी एक्सपर्ट है, मैं शुभांकर विश्वास, हेमल, प्रियंका, मुस्कान, मोनिका, उर्मिला, हमारे टीम मेंबर है। टोटल 6 आर्टिस्ट हम लोग ये हवेली में काम कर रहे हैं। हवेली के नाम है मोहर, जिसका ऑनर है श्रुति पोद्दार मैम। तो हम लोग 25th रात को यहाँ पे पहुँच गए थे, उससे पहले हम लोग साइट विजिट किया था, फिर 26th को, क्योंकि हमारे लिए काम बिल्कुल नया था, तो हम लोग इस काम के लिए पहले आसपास के जो भी हवेली है उसको विजिट किया, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, किस तरीके से इनका लाइन ड्राइंग, फिगर की प्रोपोर्शन, फिगर की जो फीचर्स किस तरीके होते, कलर स्कीम, स्पेशली जिस हवेली में हम लोग काम कर रहे हैं इस हवेली की कलर स्कीम क्या है, इसमें क्या क्या कलर, मेनली इसमें अगर हम लोग देखें तो ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, ऑफ वाइट, इस टाइप के कलर यूज़ हुआ है ज़्यादातर, मोस्टली ब्लू कलर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है।
जो आसपास एरिया से पता चला अराउंड 150 से 200 साल पुराना है हवेली, तो हम लोग इसमें काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को काम करके, क्योंकि बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। डिफ़िकल्टीज तो था ही, क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से प्लानिंग किया था हमारे एरिया, बाद में जब काम करते गए बढ़ते गया तो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, थकान तो हो रहा है बट जो एक अंदर की सुकून है थकान को दूर कर रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं और आज हमारे लास्ट डे है, हम लोग इवनिंग तक उम्मीद है पूरा काम फिनिश कर लेंगे। ओके थैंक यू। तो ये हैं रक्षा जी, एंड रक्षा जी आपको इस प्रोजेक्ट से जो उम्मीदें थी वो अच्छा लगा नहीं लगा और पूरी हुई कि नहीं हुई, आप प्लीज हमें बताइए। अरे मैम, उम्मीदों से बहुत परे 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 वाला काम किया आप लोगों ने। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी थैंक यू सो मच, क्योंकि जो आपने किया शायद ही कोई कर पाएगा, क्योंकि पेंटिंग तो हर कोई कर पाता है लेकिन आपने जो पेंटिंग बनाई है मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पास तो शब्द कम पड़ रहे हैं। मतलब सारा पेंट नया करके फिर उसको पुराना करना काबिले तारीफ, और दिन रात मेहनत करके ये टास्क शायद ही कोई कर पाता इतने कम टाइम में, और तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत 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 शुक्रिया। आप हैं अंजू भीमसरिया, ये पूरे प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट हेड हैं, और ये आप, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लग रहा है या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इससे रिलेटेड। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि मैंने तो अभी तक शेखावाटी में ऐसी पेंटिंग्स देखी नहीं है। हमने इन लोगों को जयपुर से बुलाया था, जो इनका सर का क्या नाम है, शुभंकर जी को, और इनकी टीम आई थी, वो काफ़ी, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है क्योंकि हमारी हवेली एकदम से कबाड़ा हो चुकी थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको देखिए, आपने पेंट इसमें ये बता देंगे पहले कैसी थी दीवार और अब हमारी कैसी है, हमारी हवेली एकदम चमक गई है। ओ हाय, ये हमारे जो रामगढ़ शेखावाटी में आज पहली बार मेरे को ये देखने को मिला है, जो बाहर से पार्टी आई है आर्टिस्ट, जो कि पहले भी रामगढ़ में बहुत आए हैं लेकिन ऐसे आर्टिस्ट कभी नहीं आए हैं, और मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस काम से कि हमारे रामगढ़ में पहली दफ़ा ऐसा काम हुआ है, जो पूरा रामगढ़ आर्ट्स को देख के बिल्कुल खुश हो रहा है और काफ़ी भावुक हो रहा है, और सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा चर्चित हो रहा है ये काम, और इस काम को देखने के लिए कई लोगों के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि भैया मेरे को ये वीडियो शेयर करिए, कहाँ का है कहाँ का है। मैं बोले भैया हमारे घर के पास में ही है, जो श्रुति पोदार जी की हवेली है उसमें ये काम हो रहा है, और इस काम को लेके हम मोहल्ले वाले भी बहुत खुश हैं, और हम यही चाहते हैं आपको फिर से दोबारा इंशाल्लाह रामगढ़ में बुलाने की कोशिश करेंगे कि इस आर्ट्स को दोबारा कहीं चर्चित करें, और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है ये काम देख करके, नया काम देख करके। ये काम बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का, मैंने आपका मेहनत जो है पूरे गांव को आकर्षित कर रही है, और ये आपकी ये सब चीज़ें क्या है आदिकाल में होती थी यहाँ बिल्डिंगों पे, आपने सेम वैसा ही करके दिखा दिया। यहाँ के जितने कारीगर है सब अचंभा कर रहे हैं कि ये बच्चे कहाँ सीख के आए, मैं सबको बताता हूँ जयपुर से क्या ट्रेनिंग दिया इन्होंने। चलिए थैंक यू सो मच, और आपको सही लगा ये? बहुत ही खूबसूरत हमारा राजस्थान नज़र आता है इसमें। थैंक यू, इतना खूबसूरत है कि जैसे हमारे बाप दादाओं और परदादाओं जो है चले गए पुराने ज़माने, उस ज़माने में हम आए इस तरह लगता है, और बहुत ही अच्छी कला है, बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग आप लोग की, और इसको देख कर दिल बहुत खुश हुआ हमारा, और हम दुआएं करते हैं आपके लिए कि अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरती दे हाथों में, और बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा हमारे जो आईएसटी प्रोजेक्ट से, इनके थ्रू ये हमारे प्रोजेक्ट मिला था, और इसमें डॉक्टर तुलिका गुप्ता जो हमारा आईएसटी के डायरेक्टर है, और रश्मि पारिक मैम जो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट सेल का हेड है, दोनों मिलकर हम लोगों को काफ़ी चीज़ों में हेल्प किया, मोटिवेट किया, कंटिन्यू उन लोगों के साथ फ़ोटो शेयर होते गए हमारे, क्योंकि लास्ट 10 दिन से हम लोग जयपुर से डिटॉक्स था, बट फ़ोन के थ्रू हम लोग अपनी प्रॉब्लम हो कोई भी चीज़ शेयर करना, हमने फ़ोन के थ्रू शेयर किया, और इंस्टेंट हम लोगों को चीज़ का रिप्लाई मिला, मोटिवेशन मिला, रात 12-12 बजे तक हम लोग कोई चीज़ को लेकर डिस्कस किया, बहुत एंजॉय किया। थैंक यू आईएसटी प्रोजेक्ट से,
जिन्होंने हम लोग को इतना अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दिया। ये हमारे लिए इस टाइप का म्यूरल पहली बार था, इससे पहले हम लोग दूसरा टाइप का म्यूरल किया, बट ट्रेडिशनल आर्ट को लेकर हम लोग जो काम किया इसमें बहुत सारी चीज़ सीखा। थोड़ी देर पहले जो मुस्कान एक चीज़ बोला था, हम लोग जब यहाँ पे पहली बार आए थे हम लोग कोई गूगल सर्च नहीं किया था, हम लोग एक एक हावी लेके आए, यहाँ का क्या ट्रेंड है, कलर क्या है, सारी चीज़ हम लोग एक एक चीज़ को पता किया और काम किया। ऑब्वियसली काम करते टाइम काफ़ी सारा चीज़ सीखा और साथ साथ हम लोग और भी यहाँ का जो लोग है इन लोगों के लिए भी एक हम लोग इंस्पिरेशन है, जो क्योंकि मेरी जो टीम है 6 पीपल की टीम है, इसमें 5 पीपल है जो लोग फीमेल है। तो एक कल 8 तारीख है, आज 7 तारीख है, तो कल वुमेंस डे है, तो सच में जो नारी शक्ति देवी शक्ति जो सच में है, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था हमारे ये मेड वर्क। तो दोबारा मैं बताऊंगा जो ISCD इस तरीके का जो प्रोजेक्ट और भी ले और हमारे जैसे जो लोग इस टाइप का काम में इंटरेस्ट है उनको इस टाइप का काम दे, ताकि हम लोग वो काम भी पूरा करें और हम लोग खुद भी कुछ सीखें और दूसरों के लिए भी हम लोग इंस्पिरेशन बन पाए। हम यहाँ के पूरे स्टाफ को, स्पेशली यहाँ के मतलब श्रुति मैम हैं, वो बहुत बहुत हेल्पफुल नेचर है एंड शी इज़ सो कोऑपरेटिव। अंजू मैम ने हमारी बहुत हेल्प की है। यहाँ पे एक केयरटेकर है हर चीज़ की, पुष्पा जी, शी इज़ रियली अ वंडर वुमन। हम जो बोलते हैं हमसे पहले वो हमारी सारी चीज़ें पूरी करते हैं। अभिषेक भैया, राहुल भैया, धीरज भैया, सविता जी कुक्स डिलीशियस फूड एंड रक्षा ने हमको पूरा रामगढ़ बहुत अच्छे से घुमाया एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी सो क्यूट एंड लवली। थैंक यू टीम सो मच। थैंक यू।